नवंबर 2022 में एक आईएएस ऑफिसर ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक मेल लिखा था। इस मेल में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ों के घोटाले का खुलासा किया गया था। ऑफिसर ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना की जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ करप्ट टॉप ऑफिसर्स ये मेल लीक कर देते हैं और कुछ दिन बाद ही इस ईमानदार ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये कहानी है आईएएस ऑफिसर सत्येंद्र दुबे की। 2001 में अटल जी का $10 बिलियन का गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। देश के 4 बड़े शहरों को 14,000 किलोमीटर लंबे हाईवे से जोड़ना था। सत्येंद्र को ये पता पड़ा कि कॉन्ट्रैक्टर्स रोड बनाने के लिए घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं और करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। सत्येंद्र ने कॉन्ट्रैक्टर्स से रोड वापस भी बनवाई, अपने सीनियर्स को भी बताया, बट रिश्वत के पैसों ने सबका मुंह बंद कर रखा था। जब किसी ने नहीं सुनी तो सत्येंद्र ने इस करप्शन की पूरी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को मेल कर दी। मेल लीक हो गई और 27 नवंबर 2003 को सत्येंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्होंने अपनी जान गंवाना जायज समझा पर करप्शन के आगे झुकना नहीं। हमारे देश को कुछ ऐसे ईमानदार और काबिल ऑफिसर्स की जरूरत है। ये वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक जरूर शेयर करना। और भी ऐसी स्टोरीज जानना चाहते हो तो फॉलो करें ऑडिकेट को।